नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रुझ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बदन देवी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के इंदु तपेश्वर महिला कॉलेज में मैं उपस्थित हूं और यहां पर आप देख रहे चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है, किसानों का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और बहुत दूर दूर से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए मेरे साथ एक जुड़ चुके हैं जो पंजाब से हैं, इनसे मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कहाँ से आप, पहले परिचय दीजिए अपना। हाँ जी, मेरा नाम गुरमुख सिंह, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब किसान यूनियन का मैं ब्लॉक का प्रधान हूँ और मानसा जिले से। हाँ जी, अभी आप लोगों को क्या दिक्कत हुआ है जो ये आंदोलन कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो सरकार ने हमारे साथ आंदोलन में जो वादा किया था जी, सरकार ने वो वादा खिलाफी की है जी। जो MSP की हमारी गारंटी की थी उसका कोई फैसला नहीं लिया, जो कमेटी बननी थी कमेटी नहीं बनी, इसलिए हम लोग वक्त वक्त पे टाइम टाइम पे आके सरकार को याद कराते रहते हैं भी जो आपने वायदा किया है, हमारे साथ प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करो। अभी आप बिहार में हैं, बिहार के वो विक्रमगंज है, रोहतास जिला के विक्रमगंज में आए थे और आपको यहाँ पर आने से कैसा लग रहा है ये बताइए? आउंदे बस ठीक लगे जी, असी रस्ते पटना साहब है, पहले उत्थे आके गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक मत्था टेकया, फिर आज आए, जो जहाँ का प्रबंध है बढ़िया ठीक ठाक प्रबंध है, तो जो जहाँ के किसान हैं उन्होंने सभी अपना जोर लगा रखा है, जो इसमें समझ लो जो प्रबंधक मेंटेन में ते बढ़िया लगे आके थे। चलिए आप देख रहे हैं कि भारत को चलाने वाले किसान जो कि सबसे महान इनका एक दर्जा होता है और इन्हीं के बल पर पूरा भारत के लोग जीवित रहते हैं और बिहार में प्रवेश किए हैं, ये पंजाब से हैं, इनसे थोड़ी सी मैं बिहार के बारे में बात करूंगा। अभी वेलकम टू यू बिहार। yes. और अभी बिहार में आपका कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बिहारियों से मिल के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि जब पहले हम बिहार के लोग हमारे पंजाब में काम करने जाते थे तो उनसे मिलके ऐसा लगता भी कैसा होगा यार, बिहार कितनी दूर है, तो वो हमें बताते कि हमारे इलाके में ऐसी नदियां हैं, ऐसी ऐसी खेती होती है। वो आज हमने ट्रेन से आते वक्त प्राकृतिक नज़ारा भी मिलता है देखने। वाह जी वाह, मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रकृति का कि जो हमारा पंजाब है वहाँ जो केमिकल की स्प्रे होती है ना, जो जहर की, वो नहीं जहाँ पर होती, जहाँ जो मौसम है बहुत बढ़िया है, पंजाब से बढ़िया है, एक नंबर मौसम है, इसलिए बिहारी अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी, बिहार के लोग भी अच्छे हैं, तो बहुत हमें उन्होंने सत्कार दिया, जब हम आए तो सभी ने हमें फतेह बुलाई और बहुत समझ लो जैसे घर के आदमी होते हैं ऐसे हमें एक्सेप्ट किया उन्होंने। बिल्कुल, बिहारियों का प्यार और दुलार अगर जिसके दिल में छा जाए वो आदमी समझता है कि मुझे भगवान से दर्शन हो गया। बात सही है। हाँ जी हाँ जी सर, मैं बिहारियों का शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, जो हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रबंध किया है, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उनका कोई धन्यवाद कर सकूं। आप पटना राजधानी में जब आए और राजधानी के बाद ये विक्रमगंज रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, पटना से लेके यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। कदर किया या नहीं बिहारी? एक नंबर, जब हमारे झंडे और हमारी पगड़ी को देखते थे ना बिहार के लोग, हमें सीट छोड़ते थे, आओ भैया बापू जी यहाँ बैठो आके, और हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये बिहारी होते हैं जो हर किसी के कदर करते हैं और लोग बिहार को ही बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार बदनाम नहीं है, बिहार एक संस्कार भरी राज्य है और संस्कार करता है, जब महिलाओं को देखता है तो उसको भी इज्जत करता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो बाहर से आते हैं उनको भी हम लोग कदर करते हैं। समय समय पर अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो एक बार ये आंदोलन करते हैं ताकि सरकार को रास्ते को दिखलाने का प्रयास करते हैं, जहाँ की सरकार रास्ते से भटक जाती है। क्या बात सही है ना? हाँ जी बिल्कुल 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 सही गल है जी, क्योंकि जो सरकार चुनाव से पहले हमारे से प्रॉमिस करती है, वायदे करती है, उनको बाद में वो जुमले बन जाते हैं, इसीलिए हमें किसानों और मजदूरों को इकट्ठा होकर अपने हकों के लिए जो आवाज़ है वो बुलंद करनी पड़ती है और टाइम टाइम पे रैलियां करके आंदोलन करके सरकार को मजबूर करना पड़ता है कि जो हमारी मांगे हैं उनको माना जाए और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी हम ठीक ठाक चले, इसलिए हमें किसी का दिल नहीं करता कि हम आंदोलन करें, गांव छोड़ के इतनी दूर आए हम, कहाँ पंजाब है कहाँ। यानी आपका हक मिल जाए तो आंदोलन करने के लिए आप लोग नहीं चाहते? जी जी जी, हमारा कोई शौक नहीं,
जो आंदोलन करना है ना वो मजबूरी है हमारी। कहने के मतलब है कि इनका शौक नहीं, अगर इनका मांगे पूरी हो जाए तो क्या जरूरत है पंजाब छोड़ करके दिल्ली जाना और बिहार आना और उड़ीसा जाना कहीं जाना। लेकिन इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसानों पर कृपया ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसान से ये भारत है और भारत को महान इसलिए माना गया है कि हमारे भारत में खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आप तो के लिए इतना ही, अगले नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ पर आप दिल से देख रहे हैं, इधर थोड़ा कैमरा घुमाइए, यही वो मंच है, ये मंच से कुछ सभाएं होगी और किसानों को कुछ संदेश दिया जाएगा यहाँ से। यहाँ कुर्सियां लगी है, कुछ ही क्षण के बाद यहाँ पर एक सभा होने वाली है। चलिए कुछ लोगों से और मैं आपको मुलाकात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल से भी लोग आए हैं, उड़ीसा से भी लोग आए हैं, यानी भारत के कई राज्यों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। और इस महासभागार में लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ अदर स्टेट के लोग मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे में बिस्तर बिछाया गया है, यहाँ पर सोने का व्यवस्था इन लोग के किया गया है, जगह जगह पर पंखा चल रही है और कहीं पंखा की कमी ना हो जाए इसलिए यहाँ पर भी पंखा लगाया गया है। यहाँ के विधायक जी अरुण कुमार सिंह भी इन लोगों को आकर के बारी बारी से पूछ रहे हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना हुआ। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ से हैं सर आप? सर कपड़ा पहन रहे हैं और अभी हमसे बातें करेंगे। कुछ लोग उड़ीसा से भी यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग बंगाल से भी आए हैं और कई राज्यों से यहाँ पर आज विक्रमगंज के धरती पर लोग आए हैं। और विक्रमगंज में आकर के कैसा लग रहा है इन लोगों को? कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक प्रधान। कहाँ पर आए हैं सर अभी? ये सारे हिंदुस्तान से आए हुए डेलीगेट यहाँ हमारा अखिल भारत किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन है, चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इससे पहले यहाँ पे 50,000 किसानों का एक महापंचायत होगा, जिस महापंचायत में सारे सर को दिखा लीजिए, सर वीडियो ले रहे थे कि हम लोग बिहार में, सर कोई दिक्कत नहीं है, सारे 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 हिंदुस्तान से जितने किसान नेता हैं और भाजपा को छोड़ करके जो MSP के गारंटी के आइन पर जो दिल्ली सिंगू बॉर्डर टिकट बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में एक साल से ज़्यादा आंदोलन में थे, उसी के नेताओं को यहाँ इनवाइट किया गया है। और भाकपा माले के महासचिव कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी यहाँ शामिल होंगे। आप कब आ रहे हैं? वहीं पे सब आ गए हैं। यहाँ से 10:30 बजे मिशिल शुरू होगा और यहाँ पे 12 बजे महापंचायत शुरू होगा। महापंचायत के बाद 4 बजे यहाँ के सम्मेलन, चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन किसानों का ये शुरू होगा, जिसको कमरेड दीपंकर जी इनागोरेट करेंगे। हमारा ये 3 मुद्दा है, जो मुद्दा अब एक साल से ज़्यादा हम किसान आंदोलन में थे, जहाँ पे 8 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, हमारा किसान भाइयों शहीद हुए हैं। और इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने जिसको रिटिन में एग्रीमेंट किया है, हम सारे मुद्दे को हम कार्यकारी करेंगे, मगर एक साल के बाद किसी भी मुद्दे पर वो गवर्नमेंट का कैबिनेट का मोहर नहीं लगाए हैं। इसके खिलाफ जोरदार में हिंदुस्तान में किसान लोगों का आंदोलन होगा, संगठन होगा और मोदी सरकार को, BJP सरकार को हम बाध्य करेंगे। अजय ये किसानों का सारे जितने डिमांड है, सारे दावे हैं, उनको सरकारी भाव सरकारी में उसको कार्यकारी करेंगे। एक बात और बताइए, अभी आप बिहार में प्रवेश कर चुके हैं, कई एक राज्यों को पार करके आप बिहार में हैं, बिहार में आए तो आपको कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, बिहार बिहारी लोग कदर किए या नहीं? अरे भाई, सारे हिंदुस्तान का हमारा साथी है, हमारा भाई है, बिहार उड़ीसा बंगाल इसमें कुछ फर्क नहीं। एक बार बिहार उड़ीसा बंगाल का एक ही प्रोविंस था, आपको याद ही होगा, अंग्रेज के टाइम में बिहार उड़ीसा बंगाल एक ही प्रोविंस था, पटना बिहार उनका ही सेंटर भी था। तो इसमें एक ही खेती एक ही है, धान है, गेहूँ है, एक ही क्लाइमेट है, ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली ये सब एक ही है। यानी कहने के मतलब है कि हम ना बिहारी हैं, ना पंजाबी, ना उड़ीसा के हैं, कहने वाला हम हिंदुस्तानी हैं और हम सबको मिलकर के हिंदुस्तान को बदलना होगा। बात हिंदुस्तान को बदलना होगा, बचाना होगा, संविधान और गणतंत्र को भी बचाना होगा, ये हमारा प्रतिज्ञा है, इसको हम करके ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत आप देख रहे को उपस्थित है लाल गमछे के साथ और इन्हीं लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम कराया है जिसमें कई राज्यों को लोगों ने यहाँ पर आए हैं और कई राज्य के लोग आकर के इस आंदोलन में
शामिल हुए हैं, और सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए मुझे। पुरुषोत्तम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव हूँ ऑल इंडिया किसान महासभा का। अच्छा, ऑल इंडिया के, इंडिया के कई राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं? हाँ, करीब 21-22 राज्यों से। और यहाँ पर अभी व्यवस्था भी जो है काफी अच्छा है, खाने पीने की उन लोग व्यवस्था अच्छा है, क्योंकि पूछने के बाद कह रहे हैं कि अच्छे सबको यहाँ पर कदर हो रहा है। नहीं, सारी व्यवस्थाएं की गई। बिहारियों के नाम ले रहे हैं, परंतु बिहार के नाम पर थोड़ा सा उन लोग को दुख हो रहा है, क्योंकि बिहार में कुछ कमी उन लोगों को देखने को मिल रही, सिर्फ रोड और कोई दुख नहीं है। बिहार हम लोगों का पूरे देश के किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत है। अच्छा। और यहाँ सहजानंद सरस्वती से लेकर के और नक्सलवाड़ी के किसान विद्रोह तक ये किसान आंदोलन की प्रेरणा की भूमि रही है। बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, बहुत काफ़ी बेरोजगारी यहाँ पर है। बेरोजगारी बिहार का भी सवाल है और पूरे देश का सवाल है जी। और हमारा किसान आंदोलन इसीलिए बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर के जो आंदोलन है, उसका हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पर समर्थन किया है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने भी किया है, जिसका ये इजलास हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है ऑल इंडिया का। और जो ऑल इंडिया स्तर पर हम लोगों का संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने भी जो है बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया है। और ये जो अग्निवीर योजना है, इसका भी हम लोगों ने विरोध किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप पाल। दिलीप पाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। अभी आपने बिहार में प्रवेश किया, एक यहाँ पर आंदोलन शायद है, कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, कई एक राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आपको ये बिहार में आकर के अभी कैसा लग रहा है? बिहार में हम तो सब पदार्पण किया है सुबह ही, अभी एक दो दिन रहने से और पता चलेगा। तो ख़ास तौर से हमारा नज़र में जो है, हम तो कई दफ़ा आया बिहार में, एक ख़ास तरह कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है एनडीए का जमाना में। अच्छा अच्छा। डेवलपमेंट कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा। ठीक है, जैसे सड़क और बिजली से ही डेवलपमेंट जांच नहीं किया जाता है जी। बेरोजगारी जी। जो है वो तो बराबर की जैसे है जी। और जो बिहार में दलित है, संख्यालघु है जी। उनका कोई खास डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो इंसान का डेवलपमेंट होगा तो उसको डेवलपमेंट किया जाता है, पूंजीवादियों का डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट नहीं है जी। अभी गोटा दुनिया का अंदर भारत की एक पूंजीवादी जो दो नंबर में है, अदानी जी। अदानी का डेवलपमेंट से हम जो आम आदमी है, हमारा क्या डेवलपमेंट है? खेती खलिहान का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसानों को अपना अनाज का सही मूल्य मिलने से उसका डेवलपमेंट किया जाता है। अब जो पूंजीवादी कृषि हो रहा है, उसको जो साधन चाहिए, उस साधन का सस्ता में मिलना चाहिए, किसानों को ऋण मिलना चाहिए और अनाज का सही भाव मिलना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन का सुपरिश कार्य यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला जो इंडिया जोट का सरकार था, वो कुछ भी कोशिश किए नहीं किया है। बटाईदारों का जो हिस्सा है जमीन पर, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, बिहार में आप आए होंगे और बंगाल में जो होंगे, बंगाल में आपको रोड पर देखेंगे कि चुल्लू पी करके लोग घूमता है, और यहाँ पर दारू पी के लोग रोड पर नहीं घूमता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दारू पीना बंद करना जरूरी है, खासतौर से महिलाओं के लिए। दारू पीने से वो जो टॉर्चर नामता है, घरेलू हिंसा पैदा होता है जी।